You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी यहाँ स्वागत करता हूँ आप लोगों का। दोस्तों, लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी के अंदर अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने बताया कि अगर एन ट्रायल करें तो उनमें से आर ट्रायल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने बताया था कि एन ट्रायल टोटल है, उनमें से आर ट्रायल में अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, जहां पे हर ट्रायल में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल ट्रायल में वो हमारी पी है और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्यू है। यहीं पे हमने ये तो हो गया कि एन ट्रायल में, यहीं पे हमने एक और चीज बताई थी कि एटलीस्ट एन ट्रायल में, एटलीस्ट आर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट आर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको क्या करना है, या तो आर टाइम सक्सेस होगी या आर प्लस वन या आर प्लस टू या आर प्लस थ्री। तो वहां पे हमने बताया था कि समेशन एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है आपको, आर से लेके एन तक जाएगी और बाकी यही का यही एन सी आर की जगह यहां एक्स आ जाएगा, पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। हमने आपको यह भी बताया था कि एट मोस्ट अगर आर ट्रायल में सक्सेस चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आर ट्रायल में सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा आर मतलब कम से कम एक भी नहीं, एक दो तीन चार, तो उस केस में हमने क्या देखा था कि x इज इक्वल टू जीरो से लेके मैक्सिमम कहां तक जाएगा, आर तक जाएगा, एन सी एक्स पी पावर एक्स और क्यू पावर एन माइनस एक्स। यहां पे हमने ये देखा था कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो 10 12 15 इस टाइप के होते थे। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स कभी बहुत ज्यादा हो जाए और हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए, ध्यान रखना कब की बात कर रहे हैं, जब प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ ट्रायल की किसी भी सिंगल ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी वेरी लेस देन वन हो जाए, सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी लेस देन वन हो जाए और नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 100 हो गए नंबर ऑफ ट्रायल्स और हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.01 या 0.02, तो उस केस में फिर आपको क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाना है, उस केस में आपको लगाना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एन में से आर ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है वो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, एम पावर आर इंटू ई टू दी पावर माइनस एन अपॉन फैक्टोरियल आर, जहां पे आर क्या है कि आपको कितने ट्रायल में सक्सेस चाहिए, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो ये एम क्या है, एम इज इक्वल टू एन इंटू पी, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर है और पी की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी लेस है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको एवरेज टाइप की वैल्यू मिल जाएगी। तो एम जो है एवरेज रेट भी इसको बोलते हैं, एवरेज रेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके आते हैं। तो एम जो अगर क्वेश्चन में आपको एन और पी अलग अलग नहीं गिवन है, सिंपली एवरेज रेट दे दिया है, तो दैट मींस कि वो आपको एम की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रहा है। तो ये एक फॉर्मूला है जहां पे हम बोलेंगे कि एन में से आर ट्रायल में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दोगे। अगर यहां पे वो बोलेगा एटलीस्ट आर ट्रायल में सक्सेस, दैट मींस आर में, आर प्लस वन में भी हो सकती है या फिर आर प्लस टू या फिर आर प्लस थ्री एंड सो ऑन, तो उस केस में कुछ नहीं करना है। जैसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरीके से ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला वही कहता है कि एन में से आर ट्रायल में सक्सेस चाहिए तो इसका ये फॉर्मूला है, इसका ये। अगर बोले एटलीस्ट आर ट्रायल में तो बस आपको एक समेशन, जैसे इसमें एक समेशन लग गया वैसे इसमें भी एक समेशन लग जाएगा कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, आर से लेके एन तक, और जहां ये आर लिखा है वहां की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अगर कभी बोले एटमोस्ट आर ट्रायल में सक्सेस चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा लेना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से आर तक, और जहां आर लिखा है वहां पे क्या कर देना, एक्स कर देना, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखिएगा कैसे हमें समझ में आएगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फॉर अ कंप्यूटर लेबोरेटरी 100 कंप्यूटर्स आर परचेज्ड, एक कंप्यूटर लेबोरेटरी है जिसमें जिसके लिए 100 कंप्यूटर परचेज किए गए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड कंप्यूटर
defected computer, the probability of defected computer, sorry, the probability of a computer, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, the probability of a computer to be defected is 0.01. हर एक कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर के डिफेक्टेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.01 है. समझिएगा यहां पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टेड कंप्यूटर इज 0.01. इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप एक कंप्यूटर लेते हो वहां से तो उसके डिफेक्टेड यानी कि खराब होने के चांस बहुत कम है, 0.01 है. दैट मींस जब आप 100 कंप्यूटर लोगे तो हो सकता है एक आध कंप्यूटर खराब निकले. ये सिंगल कंप्यूटर की प्रोबेबिलिटी बता रहा है. दैट डजंट मीन कि आप अगर बोल दो कि 100 में से 10 कंप्यूटर डिफेक्टेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको. सिंपल वो बोल रहा है कि एक कोई भी एक कंप्यूटर खराब हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0.01 है उस कंप्यूटर के खराब होने की प्रोबेबिलिटी, सिंगल कंप्यूटर के खराब होने की प्रोबेबिलिटी. तो यहां पे आप तुरंत बोल दोगे कि देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है एन जो है वो 100 है, जिसकी वैल्यू वेरी लार्ज है. प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल में, मतलब सिंगल कंप्यूटर की अगर प्रोबेबिलिटी बोले तो कितनी है, 0.01 है. दैट मींस एम की वैल्यू एन इंटू पी दैट विल बी इक्वल टू 1. 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 में तो आ जाएगा 1, तो m की वैल्यू आ चुकी. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 4 कंप्यूटर्स आर फाउंड डिफेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट 4 कंप्यूटर्स आर फाउंड डिफेक्टेड, मतलब आपने 100 कंप्यूटर खरीदे हो उनमें से 4 कंप्यूटर डिफेक्टेड हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो आपको इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना है. ये तो क्या है, कोई सिंगल कंप्यूटर डिफेक्टेड है या नहीं उसके चांस बता रहा है कि कोई सिंगल कंप्यूटर डिफेक्टेड होने के चांस क्या है, 0.01. लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, 4 कंप्यूटर्स आर फाउंड डिफेक्टेड, 4 डिफेक्टेड ऑलरेडी पाए गए. क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि वो 4 डिफेक्टेड पाए गए, 4 कंप्यूटर्स डिफेक्टेड पाए गए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करना है. मतलब क्या हुआ, 100 कंप्यूटर आए थे, 100 में से वो 4 कंप्यूटर डिफेक्टेड निकले या निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 कंप्यूटर डिफेक्टेड निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो डायरेक्टली हमें ये फॉर्मूला सिंपल लगा देना है, बहुत आसान है. आपको सिंपल क्या करना है, यहां पे m की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 पावर r, r की वैल्यू कितनी है, कितने कंप्यूटर्स डिफेक्टेड है, 4, तो 1 पावर 4 1 ही रहेगा, e टू दी पावर माइनस m तो 1 डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल तो 4 का फैक्टोरियल, दैट मींस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल. e की वैल्यू 2.7 समथिंग रहती है, कैलकुलेटर से डायरेक्टली e इनवर्स हम निकाल सकते हैं, e टू दी पावर माइनस 1, और 4 का फैक्टोरियल अगर हम लेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा. तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि 4 कंप्यूटर खराब हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. दूसरा क्वेश्चन देखिए, 93 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, ये समझिएगा कैसे निकालोगे. आपके पास तो प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टेड की, अब अगर आप नॉट डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे सिंगल कंप्यूटर में तो ये तो हो जाएगी 0.99 के आसपास. तो ये फॉर्मूला तो सिर्फ उस चीज के लिए वैलिड है जबकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम कम हो, तो नॉट डिफेक्टेड की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते. दैट मींस आपको यहां दिमाग लगाना पड़ेगा. उसने बोला है 93 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, दैट मींस कितने कंप्यूटर डिफेक्टेड होंगे, यहां पे 7 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, क्योंकि टोटल कितने थे, 100 थे. तो 100 में से अगर 93 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, दैट मींस डिफेक्टेड कंप्यूटर कितने मिल गए, 7. तो अब आपको 93 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी ना निकाल के 7 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देना है. तो कितनी हो जाएगी, 1 पावर 7 इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 7 का फैक्टोरियल. नॉट डिफेक्टेड का नहीं निकालना है क्योंकि नॉट डिफेक्टेड की अपन को प्रोबेबिलिटी नहीं दी है. अगर आप नॉट डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 0.99 बहुत ज्यादा हो जाएगी. ये फॉर्मूला केवल तब वैलिड है जब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो और नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा हो, एन इंटू पी की वैल्यू एवरेज हो, ये जैसे 1 आ गई वैल्यू. तो ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आपको डाउट लग रहा है, जैसे यहां प्रोबेबिलिटी दी है डिफेक्टेड की, वो नॉट डिफेक्टेड के लिए पूछ रहा है, तो आप ये देखो टोटल कंप्यूटर कितने थे, टोटल ट्रायल कितने थे. जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन वहां पे भी आ जाए, मान लीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, और वहां पे बोल दे कि 3 ट्रायल में फेलियर मिलती है, 3 ट्रायल में फेलियर मिलती है, दैट मीन 60 ट्रायल में क्या मिल रही है, सक्सेस मिल रही है. तो आप वही फॉर्मूला
तीन की जगह आप सेवन रखो वहां, मतलब 10 ट्रायल अगर टोटल है और 10 में से मान लीजिए 3 ट्रायल में उसको क्या मिलती है, फेलियर। क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 10 है किसी के लिए भी, चाहे डाइस रोल करे चाहे कुछ भी करे, और उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 10 है और 10 में से 3 ट्रायल में फेलियर मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आपको सिंपली दिमाग में लगाना है कि वो तो सक्सेस के लिए है वो फॉर्मूला, तो आपको क्या करना है, 3 में अगर फेलियर मिल रही है दैट मीन्स सक्सेस कितने में मिल रही, 7 में मिल रही, तो हमें सक्सेस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट मीन्स वहां आर की वैल्यू 3 ना लेके आर की वैल्यू आपको 7 लेना है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे ही यहाँ पे 93 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, आपको नॉट डिफेक्टेड का बोल रहा है लेकिन प्रोबेबिलिटी सक्सेस तो क्या कायम है हमारी, डिफेक्टेड में है, क्योंकि क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है वो सक्सेस कहलाएगी। अगर नॉट डिफेक्टेड की गिवन होती छोटी प्रोबेबिलिटी तो नॉट डिफेक्टेड होना अपनी सक्सेस कहलाती, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अपनी ये है, तो आपको वही उसी का क्वेश्चन करना है। तो यहाँ फेलियर दिखा रहा है 93, नॉट डिफेक्टेड हमारे लिए फेलियर है, सक्सेस क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें इससे मतलब नहीं कि खराब निकल रहा है सही, हमें क्या पता करना है जो गिवन है उसकी बात कर रहे हैं, गिवन क्या है डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 0.01, दैट मींस हमारे लिए डिफेक्टेड होना हमारी सक्सेस है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ 93 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, तो ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर 93 नॉट डिफेक्टेड है दैट मींस डायरेक्टली 7 कंप्यूटर्स ऐसे होंगे जो डिफेक्टेड होंगे, तो 7 कंप्यूटर्स की डिफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप लागू कर सकते हो। तीसरा कंप्यूटर देखिए, एटलीस्ट 10 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, कम से कम 10 कंप्यूटर डिफेक्टेड हो, तो यहां पे तो कुछ नहीं करना है आपको कि कम से कम 10, तो यहाँ पे r की वैल्यू सिंपली कितनी है 10 है, तो x इज इक्वल टू r से स्टार्ट किया था मतलब 10 से लेके और n तक, n कितना है आपका 100 है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दीजिए m पावर r मतलब 1 पावर x इंटू e टू द पावर माइनस m अपॉन x का फैक्टोरियल, r की जगह आपको x रख देना है। तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 10 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, जब x की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 कंप्यूटर डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी आएगी, जब x की वैल्यू 11 रखोगे तो 11 कंप्यूटर डिफेक्टेड, प्लस प्लस होता जाएगा, मतलब या तो 10 कंप्यूटर या 11 या 12 या 13, मतलब बढ़ते जाएंगे कंप्यूटर, 10 भी डिफेक्टेड हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने कंप्यूटर डिफेक्टेड हो गए 10, तो ये आ गया एटलीस्ट 10 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, आप आसानी से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमोस्ट 5 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, मतलब मैक्सिमम कितने कंप्यूटर डिफेक्टेड हो 5, दिमाग में एक चीज बिठा लो, हमारे लिए सक्सेस क्या है जो गिवन है, डिफेक्टेड होना सक्सेस है और वही पूछा है, दैट मींस ज्यादा से ज्यादा कितने कंप्यूटर खराब हो सकते हैं 5 कंप्यूटर खराब हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप बोलोगे या तो एक भी कंप्यूटर खराब नहीं, या एक खराब, या दो खराब, या तीन खराब, या चार खराब, या 5 खराब, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 5, मतलब यहां पे आपको x की वैल्यू 0 से लेके कहां तक ले जाना है 5 तक, r की वैल्यू यहां पे 5 हो गई, और यही फॉर्मूला 1 पावर x तो 1 ही आएगा, आप डायरेक्ट 1 रख दीजिए, e टू दी पावर माइनस 1 m की वैल्यू और डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है ध्यान रखना, तो जब 0 रखोगे तो 0 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है चौथे क्वेश्चन की, कि एटमोस्ट 5 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 कंप्यूटर डिफेक्टेड। अब यहां देखिए, यहां पे फंस सकते हैं, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एटलीस्ट 94 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, अगर 94 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड लिखा होता है एटलीस्ट, तो हम r की वैल्यू 94 लेते और 94 से लेके 100 तक चले जाते, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है एटलीस्ट के लिए, कि r से लेके n तक, आप समेशन कर दीजिए, मतलब कम से कम r, फिर या r प्लस 1 या r प्लस 2 एंड सो ऑन, लेकिन वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जब कहे, हमारे लिए सक्सेस क्या है डिफेक्टेड, यहां पे क्या बोल रहा है एटलीस्ट 94 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, सॉरी एटलीस्ट 94 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि नॉट डिफेक्टेड कंप्यूटर कितने कितने हो सकते हैं, या तो 94 या 95 या 96 या 97 या 98 या 99 या 100, इतने कंप्यूटर में से कुछ या तो इतने कंप्यूटर नॉट डिफेक्टेड या इतने या इतने या इतने या इतने या इतने, तो डिफेक्टेड कितने हैं, हमें तो अपनी प्रोबेबिलिटी किस पे ले जाना है, हमारी सक्सेस क्या है डिफेक्टेड की, ये तो नॉट डिफेक्टेड या
एटलीस्ट बोला कम से कम इतने कंप्यूटर नॉट डिफेक्टेड, इसका मतलब कम से कम 94 कंप्यूटर नॉट डिफेक्टेड, 95 भी, 96 या 97 या 98, इतने कंप्यूटर में से इस ये हैं जिनमें से नॉट डिफेक्टेड हो सकते हैं, या 94 या 95 या 96। इसका मतलब है इससे कम की अगर हम बात करें तो 93 या 92 एंड सो ऑन, ये क्या है, डिफेक्टेड है। 94 कंप्यूटर्स नॉट डिफेक्टेड हैं, तब डिफेक्टेड कंप्यूटर्स कितने होंगे, 6 डिफेक्टेड की बात करें। जब 95 कंप्यूटर्स नॉट डिफेक्टेड हैं तो डिफेक्टेड कितने होंगे, 5। जब 96 कंप्यूटर्स डिफेक्टेड हैं तो डिफेक्टेड कितने होंगे, 4। जब 96 नॉट डिफेक्टेड हैं तो डिफेक्टेड कितने होंगे, 4। जब 97 नॉट डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड होंगे 3। 98 नॉट डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड होंगे 2। 99 नॉट डिफेक्टेड तो डिफेक्टेड 1। और 100 नॉट डिफेक्टेड तो डिफेक्टेड 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है या तो 6 डिफेक्टेड है, या 5, या 4, या 3, या 2, या 1, या 0। समझना, नॉट डिफेक्टेड कितने हैं, या तो 94 या 95 या 96, मतलब कम से कम 94 नॉट डिफेक्टेड, दैट मींस ज्यादा से ज्यादा कितने, 6 डिफेक्टेड। मतलब यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा इस पांचवे क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि एटमोस्ट 6 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, एटमोस्ट 6 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड। यहां पे समझिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया फॉर्मूला मिल गया जो बाइनोमियल में हमने नहीं लिखाया था, यहां पे हम बता देते हैं। एटलीस्ट आर ट्रायल्स में फेलियर मिले तो उसे बोलेंगे एटमोस्ट एन माइनस आर ट्रायल में सक्सेस मिल रही है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एटलीस्ट आर ट्रायल्स में फेलियर की प्रोबेबिलिटी बताइए, चाहे वो क्वेश्चन हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का या हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप फेलियर की तो नहीं बता पाओगे, आपको तो जो गिवन है उसके लिए फॉर्मूला है। तो तुरंत आप समझ जाइए कि एटलीस्ट आर में अगर फेलियर है तो एटमोस्ट एन माइनस आर ट्रायल्स में सक्सेस मिल रही है। तो आपको इसकी निकालो या इसकी निकालो, एक ही बात तो है, जितने इतने एटलीस्ट इतने ट्रायल में फेलियर, दैट मींस नॉर्मल सी बात है, बचे हुए ट्रायल्स में एटमोस्ट में क्या होगी, आपकी सक्सेस मिलेगी। तो एटमोस्ट, जहां एटलीस्ट की जगह सिंपली क्या आ गया, एटमोस्ट आ गया, यहां पे ये चीज ध्यान रखना है। जैसे यहां पे हमने देखा है कि यहां पे एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं लिखा था, लेकिन लिखा था इतने ट्रायल में फेलियर, नॉट डिफेक्टेड मतलब फेलियर, फेलियर तो सक्सेस के लिए हमने क्या किया था, एन माइनस आर, 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कभी ऐसा आ जाए कि आर ट्रायल में फेलियर की प्रोबेबिलिटी, तो आप तुरंत बोल दोगे एन माइनस आर में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वही आर ट्रायल में फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। उसी तरीके से अगर बोला जाए एटलीस्ट आर ट्रायल में फेलियर की प्रोबेबिलिटी, दैट मींस एटमोस्ट एन माइनस आर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे इस क्वेश्चन में सिंपली हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि एटमोस्ट आर ट्रायल में, सॉरी एटमोस्ट 6 ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो एटमोस्ट 6 ट्रायल मतलब x इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा, 6 तक, ये वाले क्वेश्चन का आंसर। और 1 पावर x e टू द पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल x हो गया इसका आंसर, x की वैल्यू 0 से लेके 6 तक। क्वेश्चन पूछा है एटमोस्ट 92 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड, ज्यादा से ज्यादा 94 कंप्यूटर जो है वो खराब नहीं है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने कंप्यूटर सही है, सॉरी 92, ज्यादा से ज्यादा 92 कंप्यूटर जो है वो सही है, नॉट डिफेक्टेड मतलब सही है। ज्यादा से ज्यादा कितने कंप्यूटर सही है, 92 कंप्यूटर्स जो है वो अधिकतर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 92 कंप्यूटर्स आर करेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कि या तो 92 कंप्यूटर सही है नॉट डिफेक्टेड, या 91 नॉट डिफेक्टेड, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा है, या 90 या एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, 1 तक, या 0, या एक भी नॉट डिफेक्टेड, ज्यादा से ज्यादा 92 नॉट डिफेक्टेड, ये नॉट डिफेक्टेड की बात कर रहा है। जब 92 नॉट डिफेक्टेड होंगे उस केस में डिफेक्टेड कितने होंगे, 8। जब 91 नॉट डिफेक्टेड होंगे तो डिफेक्टेड कितने होंगे, 9। 90 डिफेक्टेड तो नॉट डिफेक्टेड, 90 नॉट डिफेक्टेड तो डिफेक्टेड कितने होंगे, 10।
एंड सो ऑन, जब जीरो नॉट डिफेक्टेड तो डिफेक्टेड कितने होंगे 100. दैट मींस हमसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, लेकिन हमें किसकी निकालना है, डिफेक्टेड की, क्योंकि हमारे लिए सक्सेस जो है वो क्या है, डिफेक्टेड है. और डिफेक्टेड कंप्यूटर्स जो है वो कितने होंगे, या तो 8 या 9 या 10 या 11 एंड सो ऑन. मतलब कम से कम कितने डिफेक्टेड है, 8 डिफेक्टेड है. तो जो एटमोस्ट 92 बोल रहा है, दैट मींस एटलीस्ट 8 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड. तो यहां पे भी फॉर्मूला एटमोस्ट की जगह क्या कर देना है, एटलीस्ट कर देना है, और 92 की जगह 8 कर देना है. मतलब यहां पे भी आर एन माइनस आर, जब भी एटलीस्ट होगा तो वो एटमोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एटमोस्ट होगा तो वो एटलीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी फेलियर होगा तो वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपको क्या, और आर जो होगा वो एन माइनस आर में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब एटमोस्ट 92 कंप्यूटर्स आर नॉट डिफेक्टेड का मतलब है कि एटलीस्ट 8 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड. तो इसका फॉर्मूला आपको लगाना है. तो एटलीस्ट 8 कंप्यूटर्स आर डिफेक्टेड, एटलीस्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते थे, x इज इक्वल टू उससे स्टार्ट करते थे r से, और कहां तक जाते थे, n तक जाते थे, और e पावर जो भी आपका फॉर्मूला है 1 पावर x इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 m माइनस m अपॉन x का फैक्टोरियल. आपको लग रहा होगा बार बार 1 क्यों लिख रहा है, इसलिए लिख रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू 1 मिले, किसी क्वेश्चन में m की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी मिल सकती है, इसलिए हम 1 को इग्नोर नहीं करके चल रहे हैं. तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. हमसे जो अभी तक प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो एटलीस्ट या एटमोस्ट या एटमोस्ट या डायरेक्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, जिसकी गिवन होती है वो हमारे लिए सक्सेस है. अगर फेलियर की पूछ ले तो फिर आपको ध्यान रखना है कि r की जगह n माइनस r, एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट, और एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट. और अगर कुछ नहीं लिखा एटलीस्ट एटमोस्ट तो सीधा सीधा अगर पूछा जाए कि r में फेलियर की प्रोबेबिलिटी, तो आप n माइनस r में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे तो वही हो जाएगी r ट्रायल्स में फेलियर की प्रोबेबिलिटी. तो और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है, एन इंटरव्यू ऑफ एन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी इज कंडक्टेड, टोटल 200 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, दैट मींस एन इज इक्वल टू 200, टोटल 200 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टू अपीयर इन दैट इंटरव्यू. ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट टू गेट द जॉब, सिंगल स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी जॉब मिलने की कितनी है, 0.02, यानी कि p की वैल्यू 0.02 है. तो उससे आपको m की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी, 4 आ चुकी है m की. अब आपसे पूछा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट 5 स्टूडेंट गॉट द जॉब. आपके लिए सक्सेस क्या है, जो क्वेश्चन में जिसकी प्रोबेबिलिटी सिंगल ट्रायल की गिवन है, कितनी गिवन है, गेट द जॉब की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.02. और यहां पे भी देखिए आप गॉट द जॉब ही बोल रहा है, दैट मींस कितने स्टूडेंट को जॉब मिलना चाहिए, 5. तो यही आपकी आर की वैल्यू हो गई. तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में एम की जगह 4, आर की जगह कितना, 5 ई टू दी पावर माइनस एम डिवाइडेड बाई आर, मतलब फैक्टोरियल 5 आंसर आ गया आपका. दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है 193 स्टूडेंट्स डिंट गेट द जॉब. अब यहां पे 193 डिंट गेट, ये फेलियर हो गई. हमारे लिए सक्सेस क्या थी, गेट द जॉब, डिंट गेट द जॉब फेलियर हो गई. दैट मींस हमें यहां पे आर की वैल्यू 193 नहीं रखना है, इसमें एन में से सब्ट्रैक्ट करो. अगर 193 को जॉब नहीं मिली तो जॉब कितने को मिली, 200 में से, जो टोटल 200 थे उनमें से 193 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप बोलोगे 7 को जॉब मिल चुकी है. दैट मींस 7 को जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो इनडायरेक्टली, जो उसने बोला 193 को जॉब नहीं मिली, इसका मतलब 7 को जॉब मिली. तो आपको सीधा r की जगह 7 रख देना है, 4 पावर 7 e टू द पावर माइनस 4 अपॉन 7 का फैक्टोरियल. पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे क्वेश्चन में बोला एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स गॉट द जॉब. अगेन देखिए सक्सेस हमारी, गॉट द जॉब, 5 स्टूडेंट्स गॉट द जॉब, 5 स्टूडेंट को कम से कम जॉब मिली. इसका मतलब 5 को भी मिल सकती है, 6 को भी, 7 को भी, 8 को भी, एंड सो ऑन 200 तक. आपको क्या करना है, x की वैल्यू 5 से स्टार्ट करना है और कहां तक ले जाना है, 200 तक. और ये हो जाएगा आपका m पावर, मतलब 4 पावर x e टू द पावर माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x का फैक्टोरियल 5 से लेके 200 तक. मतलब या तो 5 को मिली होगी, या 6 को, या 7 को, या 8 को, एंड सो ऑन, क्योंकि कम से कम 5 को तो जॉब मिलना ही है. तो और करोगे तो प्लस प्लस होता जाएगा. छठवें क्वेश्चन में बोल रहा है एटमोस्ट 6 स्टूडेंट्स गॉट द जॉब. ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चों को जॉब मिली, 6 स्टूडेंट को जॉब मिली. जब ज्यादा से ज्यादा 6 स्टूडेंट को जॉब मिली
या इसका क्या मतलब हुआ कि या तो छह को मिली या पांच को या चार को या तीन को या दो को या एक को या एक को भी नहीं। दैट मीन्स कहां से स्टार्ट करना है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से। मैक्सिमम कितने बच्चों को मिली, छह को मिली, तो ये हो जाएगा फोर पावर एक्स ई पावर माइनस फोर अपॉन एक्स का फैक्टोरियल। एटलीस्ट और एटमोस्ट का फॉर्मूला सेम रहता है, बस एक में वैल्यू आर से स्टार्ट होके एन तक जाती है, एक में जीरो से स्टार्ट होके आर तक आती है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एटलीस्ट 193 स्टूडेंट डिडंट गेट द जॉब। ये डिडंट गेट द जॉब हमारे लिए सक्सेस नहीं, हमारे लिए है गेट द जॉब। इसका मतलब हम डायरेक्टली 193 को आर नहीं मानेंगे, इसका मतलब है एन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नई वैल्यू आएगी वो हमारे लिए, अगर ये r है तो n माइनस आर को हम नया r डैश मानेंगे, वही वैल्यू हमें पुट करना है। तो हमारे पास मतलब ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एट मोस्ट 7 स्टूडेंट्स गॉट दी जॉब। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि एटलीस्ट एटमोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी फेलियर की पूछी जाएगी प्रोबेबिलिटी और आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना हो तो एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट और जो भी वैल्यू रखी है आर उसकी जगह एन माइनस आर रख दीजिए, तो नया क्वेश्चन बन जाएगा एटमोस्ट 7 स्टूडेंट गॉट दी जॉब। और एटमोस्ट 7 स्टूडेंट गॉट दी जॉब इसका मतलब क्या है, या तो एक भी नहीं है, एक या दो तीन चार पांच छह सात, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट को जॉब मिली, 7 को, तो 4 पावर एक्स ई पावर माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल एक्स। पांचवा क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एटमोस्ट 196 स्टूडेंट डिडंट गेट दी जॉब। अगेन ये सक्सेस नहीं है हमारे लिए, डिडंट गेट दी जॉब, 196 स्टूडेंट डिडंट गेट दी जॉब एटमोस्ट, इसका मतलब यही क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटलीस्ट कितने 4 स्टूडेंट्स गॉट दी जॉब, हमारे लिए सक्सेस है गॉट दी जॉब। तो एटलीस्ट 4 स्टूडेंट को जॉब मिली, दैट मींस हमें x इज इक्वल टू 4 से कहां तक 200 तक ले जाना है, 4 से ले जाना है 200 और यही पे 4 पावर x e पावर माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल f। तो इस तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पे दो नई चीजें हमने तीन सीखी हैं कि अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो n माइनस आर करके आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, वही आंसर होगा। एटलीस्ट फेलियर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो एटलीस्ट को एटमोस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जो वैल्यू है उसको n माइनस आर कर दीजिए, सही आंसर हो जाएगा। एटमोस्ट में पूछी है अगर तो एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट कर दीजिए और जो वैल्यू है उसको n माइनस आर कर दीजिए, अगेन आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। मैं नाम याद नहीं है, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो थैंक यू सो मच आपने जिसने भी लिखा था कमेंट बॉक्स में कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है। किसी ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी लिखा था, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम रैंडम वेरिएबल में पढ़ाएंगे इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहे। तो अभी हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको किसी को डाउट लगता है, कोई टॉपिक रह गया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहा है तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही जो मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोज नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो की लॉजिक रहती है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।